इंडिया में जो स्टूडेंट्स अपनी एमएड कंप्लीट कर चुके हैं 55% मार्क्स से, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है अगर वो मोटिवेटेड हैं तो। देखिए आप दुबई, अमेरिका या कनाडा में नहीं रहते कि जॉब वाले आपके घर आएंगे और आप कहेंगे कि काइंडली आपकी एमएड कंप्लीट होगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, आपको जागृत होना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको कहने के लिए है जागते रहो, जागते रहो। कैसे जागते रहो? ये समझ कर के कैसे एमएड के लिए जॉब्स जो हैं निकल रही हैं इंडिया में। आप सबको ये पता है कि इन दिनों सारे इंडिया में बीएड की 2021 की एडमिशन काउंसलिंग चल रही है और इस काउंसलिंग में सब ने एनसीटी के नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो एनसीटी के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। वो मेन नॉर्म्स आपसे रिलेटेड क्या है कि 100 सीट के पीछे 16 फुल टाइम टीचर एजुकेटर चाहिए। जो इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो किसी भी कॉलेज को अलाउ नहीं करती जब तक उसके एनसीटी के मुताबिक जितने टीचर एजुकेटर चाहिए उतने टीचर एजुकेटर उसके पास अप्रूव्ड नहीं है। अब हर हालत में हर बीएड कॉलेज यही चाहेगा कि वो बीएड की काउंसलिंग में, ज्वाइंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, तो उसके लिए नॉर्म्स पूरे करने होंगे, टीचर एजुकेटर पूरे रखने होंगे। टीचर एजुकेटर पूरे रखने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? जहां तो पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि अगर आपके पास टीचर एजुकेटर नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जहां आप रिटन अंडरटेकिंग दोगे, कॉलेज अंडरटेकिंग देगा कि विद इन 1, 2 or 3 months आप पूरे टीचर एजुकेटर्स रख लोगे। अच्छा, ये डिफरेंट है कि कुछ यूनिवर्सिटीज 100% टीचर एजुकेटर अप्रूव्ड रखने के लिए कह रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज 66% कह रही हैं, मतलब 66% यूजीसी नेट वाले और बाकी जो है नॉन नेट, और कुछ यूनिवर्सिटीज 50-50 कह रही हैं। तो इन सभी में यूजीसी नेट वाले, एमएड वाले और यूजीसी नेट के बिना एमएड वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छी यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि 100% आपका स्टाफ अप्रूव्ड चाहिए। अगर आपका स्टाफ अप्रूव्ड है तो आप बीएड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप विद इन लिमिटेड टाइम अपना स्टाफ पूरा कर लोगे। तीसरी कंडीशन यूनिवर्सिटी ने क्या लगाई है कि आप एडवर्टाइजमेंट इस हफ्ते में आप एडवर्टाइज दोगे और यूनिवर्सिटी को उसका प्रूफ जमा करवाओगे। इंडिया में जिस यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के तरह कदम उठाए हैं उस एरियाज में आप न्यूज़पेपर देख लो, आपकी एडवर्टाइजमेंट एमएड, एमए, एमएड, एमएससी, जो भी टीचर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है 55% मार्क्स के साथ एडवर्टाइजमेंट में आपकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, निकल रही हैं और अगले 1, 2, 3 महीने तक निकलती रहेंगी। हर यूनिवर्सिटी की कंडीशन एक होती है जब एडवर्टाइजमेंट देनी होती है कि कम से कम 3 languages में एडवर्टाइजमेंट जानी चाहिए, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में और एक रीजनल लैंग्वेज में। वो कहते हैं ना कि परमात्मा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप कर सकते करते हैं। अगर आप अब कॉन्शियस नहीं होते, मोटिवेट नहीं होते, न्यूज़पेपर नहीं देखते तो आप एमएड को दोषी नहीं कह सकते। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं, कम से कम आज से अगले 3 महीने तक अपना न्यूज़पेपर हिंदी, इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज का जरूर देखें और अपने रीजन में जहां अपनी दूरी को देखते हुए जितनी दूर तक आप जॉब कर सकते हो वहां अप्लाई जरूर करें। बेशक आपका यूजीसी नेट क्लियर है या नहीं, क्योंकि दूसरा फैक्टर ये है, एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, दूसरा फैक्टर ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का दबाव इस साल थोड़ा बढ़ना है, जिसके कारण टीचर एजुकेटर चाहिए और एडवर्टाइजमेंट फिर बढ़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 31st डेट से पहले के देख लीजिए कितने
कितने कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है टीचर एजुकेटर की पोस्ट के लिए। सच्चाई मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जैसे पंजाब में 214 बीएड कॉलेजेस हैं और उनके लिए रिक्वायर्ड फैकल्टी कितनी चाहिए, लगभग 3600 के करीब। क्या आप मान के चल सकते हो कि इतने एजुकेशन में यूजीसी नेट क्लियर या टोटल नेट क्लियर विद एमएड अवेलेबल होंगे? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीन कारण है। कुछ टीचर एजुकेटर माइग्रेट हो चुके हैं फॉरेन के लिए, कुछ गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, कुछ कंडीशन जो देख के कॉलेजेस की जहां अपनी कंफर्टेबल जोन में ना रहने के कारण वो छोड़ चुके हैं। लगभग 90% वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। टोटल इंडिया में बीएड कॉलेजेस का कितनी गिनती, क्या हाल है? टोटल 15,000 के करीब कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन है, जिनमें अगर 100 सीट्स भी मान के चला जाए कि हर कॉलेज में 100 सीट है, तो 15,00,000 के करीब सीट्स बनती हैं। और इनके लिए कितने टीचर्स चाहिए, अगर 16 की जगह 14 भी कर लेते हैं तो 2,10,000 के करीब टीचर एजुकेटर चाहिए विद और विदाउट यूजीसी नेट। और 90% जो टीचर एजुकेटर हैं वो इन कॉलेजेस में मिस हैं, नहीं हैं, रखे नहीं हैं, या पोस्ट उनकी खाली पड़ी। और इस बात को नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने भी माना है, ये आप पढ़ सकते हो। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि एमएड वाले जो निराश बैठे हैं वो जागे, न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो डेली किसी फ्रेंड जिसके घर न्यूज़पेपर आता है उनसे रेगुलर नाता रखें। इंटरनेट पर डेली चेक कर सकते हैं वैकेंसीज उस रीजन में निकली हैं, कौन से कॉलेज में निकली हैं, और अप्लाई जरूर करें। आपको मोटिवेट करने के लिए अपनी जिंदगी का एक प्रोफेशनल लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। 2003 में मैं किसी बीएड कॉलेज में टीच करता था, 2 साल हो गए थे और मेरा यूजीसी नेट क्लियर नहीं था। मुझे इसलिए निकाल दिया गया कि नेक्स्ट ईयर हम यूजीसी नेट वाला शख्स ही रखेंगे। जब मुझे रिलीव कर दिया गया तो घर में मैं चैन से ना बैठ सका। उस वक्त पंजाब में सिर्फ 21-22 के करीब, 23 के करीब कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन होते थे। मैंने क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और उस पर ब्लैंक फिल किए, कॉलेज का नाम छोड़ दिया और उसकी 21-22 फोटोस्टेट करवाकर हर कॉलेज का नाम एड्रेस लिखकर जनरल पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में गया और सभी कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन को, मैं विदाउट नेट था, विदाउट यूजीसी था, तो मैंने सभी को पोस्ट कर दिया ऑर्डिनरी पोस्ट। मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली, किसी ने गाइडेंस नहीं दी, क्योंकि मैं तड़प रहा था, मोटिवेटेड था कि मैंने जॉब करनी है। तो मुझे यही लगा कि मैं तो बताऊं कि आई एम अवेलेबल हियर फॉर दिस पेडागोजिकल सब्जेक्ट इन बीएड कॉलेजेस। मैंने सोचा 2-3 हफ्ते बाद कोई जवाब आएगा। आप यकीन मानोगे, 4 दिन बाद ही 3 फोन ऐसे आ गए कि आप जॉब के लिए कॉलेज में आके मिलो। जिस कॉलेज ने सबसे पहले मुझे डेट दी थी, मैं उस कॉलेज पहुंच गया। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर होने से पहले मुझे एक कॉलेज की फोन आ गया, जिस कॉलेज में मैंने अप्लाई नहीं किया था। वो कॉलेज कौन सा था, जहां से मैं निकाला गया था, कि तीरथ सर, अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया तो रुक जाना, क्योंकि हमें एमएड के लिए कोई टीचर नहीं मिला। और आप मानोगे कि मैं ऑफिस के था कि मुझे वो फोन आ गया और मैं फिर उसी कॉलेज के लिए इनवाइट कर लिया गया। तो अगर आप एफर्ट्स करते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप सोए हुए हो तो आपके बेड के इर्द गिर्द भी अपॉर्चुनिटीज पड़ी है ना, तो वो कभी आपके काम नहीं आएंगी। अगर आप मेरी क्लासरूम में होते ना, तो मैं भाग मिल्खा भाग का वो सीन आपको जरूर दिखाता, जब मिल्खा सिंह जी के चोट लगी हुई थी और उन्होंने रनिंग करनी थी, तो वो चोट लगी में ही भागे और इतना भागे कि उन्होंने अपना और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतनी मोटिवेशन हो कि आपको जॉब आपके पास आए। गीता में भी जो लिखा है ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उसका दूसरा मीनिंग ये है कि अपना कर्म इतनी दृढ़ता से कर, इतनी निष्ठा से कर, इतना जोन जान लगा के कर, फल कैसे नहीं मिलेगा। हमने शायद गीता के सार को अधूरा ही समझा है कि फल की इच्छा नहीं करनी, वो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट था, आप खुश रहोगे अगर फल की इच्छा नहीं करोगे, लेकिन कर्म इतनी ज्यादा दृढ़ता से करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा।